संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और अब जबरदस्त तबाही मचाने लगी हैं। डेंजर लेवल को पार करने के बाद भी दोनों नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका बताई जा रही है कि दोनों नदियों का जल स्तर अभी 3 दिनों तक और बढ़ेगा। नदियों में आए उफान की वजह से अकेले शहरी इलाके के 3 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई रास्ते और सड़कें बाढ़ के पानी में समा गई हैं। जिन सड़कों पर कुछ दिनों पहले तक वाहन तेजी से फर्राटे भरते थे, वहां अब नावें चल रही हैं। संगम के आसपास का पूरा इलाका ही बाढ़ के पानी में डूब गया है। तमाम मठों, मंदिरों और आश्रमों में बाढ़ का पानी समाया हुआ है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने की कामना के साथ रोजाना प्रयागराज आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को अब सड़क पर बह रही गंगा में ही डुबकी लगाकर या आचमन करके मायूसी के बीच वापस लौटना पड़ रहा है। गंगा के किनारे के दारागंज, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, करेला बाग, गौसनगर, सलोरी, गोविंदपुर, शिवकुटी, रसूलाबाद, रजापुर समेत 3 दर्जन से ज्यादा मोहल्ला तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कई जगहों पर तो मकान की पूरी एक मंजिल पानी में समा चुकी है। बढ़ते जल स्तर के साथ ही प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि कई लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। वहीं बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है। एनडीआरएफ की टीम बड़ी ही मुश्तैदी के साथ बाढ़ ग्रस्त इलाके में जाकर रेस्क्यू करते हुए लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। हालांकि शहरी इलाका होने की वजह से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा है और जगह जगह मकानों का निर्माण हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये समस्याएं तो बहुत बड़ी है। सुबह से लगातार पानी बढ़ रहा है यहाँ पे, और पानी ये भी नहीं कि थोड़ी थोड़ी समय पे, लगातार ही पानी बढ़ रहा है। और अभी हम लोग की कोचिंग है, अब जाना है 5 बजे से, लगभग 6 बजे से, तो अब लगभग 9-10 बजे आएंगे, तो पता नहीं नाव चलेगी कि नहीं चलेगी, तो डर वही लगा है। और हमारा तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे पानी थोड़ा सा ही बाकी है, ताकि भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। अच्छा, नाव से ही आ जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो नाव से, सुबह तो हम पूरे कमर में डूब के पानी आए थे बाहर। दिक्कतें हैं बहुत। ठीक है, सरकार प्रशासन मदद कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन तो फिलहाल दिख ही रहा है कि मदद कर रही है प्रशासन। समस्या यही है कि गंगा नदी है जो, वो बढ़ती जा रही है और समस्या कल से ही कुछ ज़्यादा हो गई है। प्रशासन हमें व्यवस्था दे रही है आने जाने के लिए, लेकिन हम लोगों के रूम में अभी पानी घुस जाएगा तो अधिक समस्या हो जा रही है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ सकता है। इस टाइम कोचिंग जा रहे हैं, नाव से ही आ जा रहे हैं कोचिंग, उसके बाद अभी रात में लौटेंगे 9 बजे। प्रशासन की व्यवस्था रहे या ना रहे, लेकिन अगर रहेगी तो अच्छी बात रहेगी। प्रशासन भी मदद कर रहा है आपका? प्रशासन बिल्कुल मदद कर रहा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी तस्वीर ये भी है कि डीएम प्रयागराज संजय खत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उनके साथ शहर उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी एनडीआरएफ की नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। डीएम के मुताबिक अभी 3 दिन और जल स्तर बढ़ने की संभावना है, ऐसे में गंगा और यमुना 86 मीटर के लेवल को पार कर सकती हैं। डीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों से अपील की है कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए आपदा राहत शिविर खोले गए हैं, लोग आपदा राहत शिविरों में भी जाकर रह सकते हैं। वहां पर लोगों के लिए बिजली, पानी, टॉयलेट सभी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही नाश्ते, भोजन और बच्चों के लिए दूध का भी इंतजाम किया गया है। डीएम के मुताबिक जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां पर प्रशासन की ओर से नावें मुहैया कराई गई हैं। वहीं बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए बांध बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उसकी तकनीकी फिजिबिलिटी सही नहीं रह पाई। उन्होंने कहा कि अब छोटे छोटे बांध बनाकर बाढ़ के खतरे को कम करने की कोशिश की जाएगी। प्रयागराज की दो नदियां का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है, और हमारे साथ यहां पर डीएम संजय खत्री हैं, जो अभी राहत सामग्री जो है प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने वितरण किया है। सर, अभी की क्या कंडीशन अगर हम बात करें कि दोनों नदियों ने खतरा लेवल जो है वो क्रॉस कर लिया है?
बाढ़ का जनपद प्रयागराज में बाढ़ का स्तर खतरे के लेवल से ऊपर है और गंगा नदी में पानी और बढ़ने की संभावना है। हमने लोगों को आगाह भी किया है और हमारे बाढ़ शरणालय हम लगभग 2700 लोग आ चुके हैं और उनको हम हर तरह की सुविधा भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग बाढ़ के पानी में हैं तो आज हमने उनको बाढ़ राहत सामग्री भी प्रदान की है। थैंक यू। NDRF की टीम भी आपके साथ आ गई है, अभी कितनी और? NDRF की हमारी टीम काफी बड़ी टीम है यहाँ पे और उनके साथ आज हम लोगों ने 26 लोगों को रेस्क्यू भी किया। थैंक यू। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर जो है DM संजय खत्री हैं, साथ ही साथ जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर हैं और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उनका जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, आप भी बांट रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी कितने जो है? जी मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद दूंगा। मानी मैं अपने मित्र संजय खत्री जी DM इलाहाबाद को बहुत बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत इन टाइम। मैं तो हर साल देखता हूं क्योंकि ये नेचर का प्रकोप अक्सर आता है, इस बार इन टाइम सारा काम हो रहा है। NDRF को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग नए बांध पे वर्क कर रहे हैं जिसके बाद ये प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि विधायक और IS DM साहब जो हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं और आप सीधे आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है छोटा बगाड़ा का है और एक मंजिल जो है वो पूरी तरीके से डूब गई है और ये लोग अब राहत सामग्री जो है वो प्रभावित क्षेत्रों में जा करके वितरण कर रहे हैं और ऐसे ही प्रभावित क्षेत्रों में जा करके जो जो लोग भी फंसे हैं उनकी मदद की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम राहत शिविर की बात करें तो राहत शिविर में भी कई लोग जो हैं सैकड़ों की संख्या में उनको वहाँ पर रखा गया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं अभी 2 दिनों तक पानी बढ़ने की अभी और संभावना है, जो दिक्कतें हैं लोग की फिलहाल 2 दिनों तक कम नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिरुद्दीन पंजाब की CTV प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।